अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, तो दुआओं में हमें याद रख किया करें। तो आज मैं करने जा रही हूँ स्टिकिंग। पहले मैंने बेस कलर किया था, बेस कलर वॉश करने के बाद मैंने इनको कट डाउन लगाया है और फॉइल पेपर के साथ। तो हमने लो लाइट हाईलाइट ज़्यादा नहीं शो करनी थी क्योंकि ये बच्ची स्टूडेंट है, तो मैंने इनको लगाया है फॉइल पेपर के साथ कट डाउन। तो सारा मैं इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम बहुत मेरे पास शॉर्ट था। तो ये मैंने लेयर्स निकाल के दो दो लेयर्स छोड़ के एक एक लेयर्स को पकड़ा है। तो फिर मैंने इनको लगाया है, कम से कम मैंने इनकी फुल हेड पे 15 फॉइल्स लगाई थी। तो क्योंकि हमने कहीं कहीं ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि ये बच्ची हैं, पढ़ती हैं कॉलेज में, इसलिए बस हम लोगों ने इस तरह अप्लाई करना है इनके। तो ये मैं जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क था तो मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया है। तो इसको बिल्कुल एक जैसा करना है। इसको वॉश करने के बाद हम लोगों ने इसको कलर अप्लाई कर देना है। तो ये हम लोग साथ साथ चेक भी कर रहे हैं और दोबारा कट डाउन भी अप्लाई कर रहे हैं। ये भी हुए नहीं, ये दोबारा हम इसको लगाएंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया है, ज़्यादा वाइट इसलिए नहीं मैंने किया ताकि क्योंकि डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो इस पर हमने गोल्डन एश कलर करना है, एश कलर नहीं करना, गोल्डन एश कलर करना है बाद में, क्योंकि हमने बहुत प्यारा कलर आया है। ये देखें, ये हो गई है, कितनी प्यारी लेयर्स आई है। इस्ता हम और सबसे ज़्यादा इस लेयर्स की पहचान ये होती है, अगर बाल टूटना शुरू हो जाए तो समझो डैमेज है, और इसका एक बाल भी डैमेज नहीं हुआ। ये देखें, अब ये मैंने वॉश करवा दिया है। अब ये देखें ये कितना प्यारा रिजल्ट आया इसका। अब हमने कलर अप्लाई करना है थोड़ी देर बाद जब ड्राई हो जाएगा। ये मैंने कलर एश गोल्डन कलर अप्लाई करना शुरू कर दिया है, एश कलर नहीं एश गोल्डन। बहुत ही प्यारा कलर, ये देखिए। अप्लाई करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, तब तक इसका एश गोल्डन कलर ना आ जाए, ठीक है। हमने ज़्यादातर कलर वहाँ अप्लाई करना है जहाँ स्टिकिंग्स है, तो क्योंकि पहले हमने बेस कलर बहुत प्यारा दिया हुआ है इस पर, और वो हमने किया था कॉपर कलर बेस कलर, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बेस कलर। अगर आप बेस कलर 5-6 दिन पहले अप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर एमरजेंसी में अप्लाई। तो ये कलर अप्लाई मैं करती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये देखें, अब मैंने ये वॉश करवा दिया है और ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें, और आपको आगे आगे मैं वन डे वॉश के बाद भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा कलर आया है और कैसा कलर आया है। ये देखें, ये वन डे वॉश के बाद है, ये कलर है। अभी ये जैसे जैसे वॉश होता जाएगा बहुत प्यारा कलर आता जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।